जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, DADR जबरदस्त उछाल के साथ, यानी कि महंगाई भत्ता AICPN अक्टूबर महीने के जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। उनके मुताबिक जनवरी 2024 से आपका अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कितना महंगाई भत्ता बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, जैसा कि आपके सामने है, 30 नवंबर 2023 का ये प्रेस रिलीज जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो द्वारा। इसके मुताबिक आपके लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के जो आंकड़े हैं उसमें 0.9% की वृद्धि हुई है, और अब ये आपका जो अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक है वो पहुंच गया है 138.4 पर, जो कि पिछले महीने आपका 137.5 था। जब हम ये आंकड़े DA कैलकुलेटर में डालकर चेक करते हैं तो देखिए कि अब आपका महंगाई भत्ता कितना बनेगा जनवरी 2024 से अब तक जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके अनुसार। जब आप अक्टूबर महीने का इसमें डेटा फीड करेंगे तो आप देखिए, आप यहां पर डेटा फीड किए 138.4, जब आपने 138.4 इसमें डेटा फीड किया तो आपके सामने महंगाई भत्ता जो मिलने वाला है आपका वो निकल कर आया 49.08, यानी कि अभी और 2 महीने के आपके आंकड़े आने बाकी हैं। जब वो 2 महीने के आंकड़े आ जाएंगे तो आपको ये महंगाई भत्ता जनवरी से लगभग 50% पूरा होने में अब 1% से भी कम बचा है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो 50% महंगाई भत्ता मिलने के बाद जो अदर बेनिफिट्स आपके शुरू होते हैं वो भी जनवरी महीने से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर हो सकती है अगर ये महंगाई भत्ता आपका 50 के आंकड़े को पूरा कर लेता है तो। अब तक जो जुलाई में जो 46% था वहां से लेके अब तक आपका 3% ऑलरेडी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है, यानी कि अब सिर्फ आपका 1% और बढ़ना बाकी है। जैसे ये 1% और ऐड हो जाएगा तो आपका महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, जिसके लिए अभी 2 महीने का सूचकांक आना और बाकी है, यानी कि नवंबर और दिसंबर का। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महंगाई भत्ता के संदर्भ में। एक अच्छी खबर है क्योंकि आपका महंगाई भत्ता बढ़कर आया है, लेकिन उम्मीद अभी इससे और ज्यादा की है जिस तरीके से महंगाई चल रही है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।